हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप लोग जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया है, कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। और इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है, और पिछले करीब 5-6 दिनों से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कोरा पे और फेसबुक पे और इवन यूट्यूब चैनल, ये जो मेरा चैनल है उसके माध्यम से, कि सर आप थोड़ा बताएं कि आखिर पढ़ना कैसा है, क्योंकि दे आर लिटरली वेरी कन्फ्यूज्ड कि आखिर पढ़ना कैसा है। सिलेबस यहाँ आकर के देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो इसको कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इंडिविजुअली यदि इनको बताया जाए, इससे अच्छा कि चलो अपने चैनल पे एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि जो भी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको काम आ जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर में आए हैं इस बार, वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो उनको देखने का कोई मतलब है नहीं, इट्स अ वेस्टेड ऑफ टाइम फॉर देम। सो ये जो वीडियो है एक्सप्लिसिटली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो अभी अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में, चाहे वो किसी सेंटर के हों, फ़र्क नहीं पड़ता, LC1, LC2 या फिर CLC के हों, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर के हैं तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के, जो आप शायद अब भी नहीं जानते हैं, और जानने में शायद 1.5-2 साल तो लग ही जाएगा जानने में और समझने में। तो इससे अच्छा है कि अभी आप जान लें, ताकि अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लें और फिर आप जो है अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहें। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जान करके आपको हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में ऐसा होता है क्या। तो हाँ, ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में इरिस्पेक्टिव ऑफ सेंटर, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी की बात करें तो सेंटर्स का कोई मतलब नहीं है, कोई भी सेंटर हो चलेगा। आप ये मान के चलिए कि 50% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी वो फेल होते हैं हर एक सेमेस्टर में। हर एक सेमेस्टर मतलब 6 महीना में एक सेमेस्टर होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो हर एक सेमेस्टर में वो 50% ऑलमोस्ट, ये कोई कैलकुलेटेड फिगर नहीं है एज सच, बट इट्स अ अप्रॉक्स फिगर, अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर होता है, फेल होते हैं या फिर किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, इस तरीके का जो भी रीज़न रहा होगा उनका। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा कि जब मैंने एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, तो हमारे सेंटर में 750 के आसपास स्टूडेंट थे, एक सेंटर में इतना ही होते हैं। और अभी जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो मेरे साथ कितने लोग हैं, 320 के अराउंड होंगे, प्लस माइनस 5 कर लो आप, तो 320 अभी सेकेंड ईयर में गए, और एडमिशन कितना लिए थे, 750। तो ये बाकी के लोग कहाँ गए? आप सोच लो बाकी के लोग कहाँ गए, वो या तो फेल हो गए, या फिर वो एब्सेंटीज थे, वो एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया उनको, डिटेन हो गए, या फिर कुछ लोग छोड़ दिए, वट एवर रीज़न जो भी रहा हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हो कि 50% लोग प्रमोट हुए हैं। तो ये चीज़ जो है किसी एक सेंटर का नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सारे सेंटर्स में इक्वलेंट है, सेम है। अब क्वेश्चन है कि आखिर फेल क्यों कर जाते हैं लोग, इतने सारे लोग फेल क्यों करते हैं, इतने मेहनत करने के बाद यहाँ आते हैं, लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं और फेल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक रफ फिगर बताया कि फेल हो रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और ग्रांटेड में ले लिए हैं कि चलो लॉ है और लॉ को किसी तरह पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में और भी कुछ कर लेंगे, लॉ भी पढ़ लेंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पास होना आसान नहीं है। आप जो मेहनत करके यहाँ आए हैं, ये बहुत आसान था, और इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत यहाँ सस्टेन करने में लगता है। सस्टेन करने का मतलब हुआ कि आप रेगुलरली पास होते जाएं, रेगुलरली प्रमोट होते जाएं। आपको यदि लॉ फैकल्टी में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप यदि नहीं पढ़ेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाने का मतलब ये हुआ कि आप फेल होंगे, किसी न किसी में बैक आएगा, फिर आपको समस्या आएगा, मेंटल प्रेशर आएगा। तो वो वैसे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, लिटरली लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या किसी अन्य चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं और लॉ से लगाव रखते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ें, दिल लगा करके पढ़ें। तो अब क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कैसे है, और यही क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जा रहा है पिछले 5-6 दिनों से,
काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कोरा पे खास करके, क्योंकि आई एम वेरी एक्टिव ऑन कोरा, तो उसमें मैसेज आ रहा है कि सर आखिर पढ़ना कैसे है। तो चलिए कुछ हम आपको बताएंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बताने वाला यदि कोई बाद में मिलेगा भी तब तक आपका टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो फिर इसको रीबैक करना, बैक आकर के फिर से रिवाइव करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट लॉ के परस्पेक्टिव से देखें। तो चलिए पहला बात तो हो गया, 50% फेल होते हैं, तो ये बात को दिमाग में रखेंगे। डरा नहीं रहा मैं आपको, जो सच्चाई है, यथार्थ है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब दूसरा चीज़ ये है कि अटेंडेंस का जो प्रॉब्लम है इसमें 70% आपको अटेंडेंस होना है। यदि 70% अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, और एग्ज़ाम ही यदि नहीं दिया देने दिया जाए तो आप मान के चलिए कि फिर तो आपका सारा कुछ बेकार चला गया। इसलिए पहला जो पॉइंट है जो आपको नोट करने की ज़रूरत है कि आप जो है लेक्चर मिस ना करें, आपका अटेंडेंस होना चाहिए। देखिए दो चीज़ है, एक अटेंडेंस मेंटेन करना और एक लेक्चर अटेंड करना, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। लेक्चर अटेंड करना मतलब हुआ कि आप डेडिकेटेड हैं लॉ के लिए, अटेंडेंस मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं कि डेडिकेशन को ये दर्शाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे अटेंडेंस लास्ट में होता है क्लास के लास्ट में, तो वो क्लास के 10 मिनट जब होगा, दस मिनट जब बचा रहेगा तब क्लास आएंगे, अटेंडेंस तो उनको मिल जाएगा। लेकिन लेक्चर का जो इम्पोर्टेंस है, लेक्चर का जो मीनिंग है, वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया उनके लिए। आपको नॉलेज नहीं मिला, अटेंडेंस मिल गया, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। तो लेक्चर बहुत ज़रूरी है, किसी भी सेंटर में रहें फ़र्क नहीं पड़ता, लेक्चर बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि पूरे जो है पूरा टीचर जो भी होंगे उनका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो वही एक घंटे में आपको बताया जाएगा, और वही चीज़ पढ़ने में आपको शायद कुछ दिन लग सकते हैं। यदि एक घंटे का लेक्चर है, उसी चीज़ को समझने में, उसी चीज़ को पढ़ने में हो सकता है आपको कम से कम एक वीक लग जाए, एक सप्ताह लग जाएगा, तो क्या कर रहे हैं आप, वेस्टेज ऑफ टाइम। यदि आपको यहाँ क्लास अलॉट किया गया है तो आप क्लास करें, ठीक है। तो फिर अगेन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्लास करना अच्छा नहीं लगता है, तो खैर उनके लिए मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कभी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ने में भले हैं और या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लॉ में रुचि है उनकी, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आप लेक्चर तो ज़रूर अटेंड करें, आप जब तक कुछ इमरजेंसी नहीं आ जाए तब तक लेक्चर तो छोड़ें बिल्कुल नहीं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी है, ठीक है, लेक्चर को नहीं छोड़ें। पहला। दूसरा है कि यहाँ पे पढ़ाई करने का तरीका क्या है, ये जो 10th 12th और ग्रेजुएशन में हम लोग करते थे वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बकायदा आपको केस मटेरियल दिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का दिया जाता है केस मटेरियल, और उसी केस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। जो टीचर्स होते हैं क्लास में आपको थ्योरी बताएंगे कि बाकी ऐसा लॉजिक ये है, कंसेप्ट ये है, और उसका एग्जाम्पल जो है केस मेट में होता है, जो केस के माध्यम से बताया जाता है। केस मेट कुछ नहीं है, वो एक पैलेशन है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो बेस्ट जजमेंट है और वैसे जजमेंट जो उस टॉपिक को समझाने के लिए सूटेड हैं उसको दिया जाता है। यदि आप उस केस मैट में दिए गए केस को समझ लेते हैं तो मतलब ये है कि जो थ्योरी आपको बताया गया है क्लास में उस पर आपका अच्छा पकड़ बन चुका है, ये चीज़ है। लेकिन यदि थ्योरी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इसके बावजूद यदि केस मैट नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आपका एग्जाम्पल वाला सेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है तो थ्योरी कितना ही अच्छा पढ़ लें, जब एग्जाम्पल आपके पास नहीं है तो फिर वो पढ़ने का फिर होलिस्टिक पर्पस पूरा नहीं हो पाता है। तो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये खासियत रहा है कि यहाँ केस मटेरियल फॉलो होता है, वो शायद और किसी दूसरे जगह नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे केस निर्धारित किए जाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो केस को बहुत ही समराइज रूप में आपको जो है यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे केशवानंद भारती केस आप लोग सब जानते हैं, ये 11,000 पेज का जजमेंट है और इसको इस केस मटेरियल में मुश्किल से 3-4 पेज में दिया गया है। तो आप मानिए कि एक 11,000 पेज को 4 पेज में जो है समराइज करना ये आसान नहीं है, ये एडिटर के लिए भी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। और यदि आप इस समरी को नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यदि लॉ पढ़ने की इच्छा आप रखते हो तो। तो यहाँ केस मटेरियल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और केस मटेरियल को आप लाइन बाई लाइन पढ़ें। यहाँ सबसे बड़ी बात है लॉ की कि यहाँ पे इज एम आर जो कि और कहीं मायने नहीं रखता है, यहाँ पे इज एम आर एन
द, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एक वर्ड से पूरा जजमेंट उलट पलट हो सकता है। इसलिए ये लॉ कुछ नहीं है, लॉ शब्दों का ही खेल है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जो है ध्यान में रखें और इसको आप इजी वे में ना लें। चलिए, तो केस मटेरियल हो गया। दूसरा एक कंसेप्ट है दुक्की का। यहाँ दुक्की आप नाम सुनेंगे कुछ दिन में कि दुक्की है, दुक्की से पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। अरे दुक्की है क्या, ये आपको बताना चाहेंगे। दुक्की कुछ नहीं है, दुक्की एक गाइड है। गाइड जैसे कोई भी सब्जेक्ट में गाइड होता है कि उसको एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। एक समराइज रूप है जो कि केस मटेरियल और जो है कुछ बुक्स के रेफरेंस से बनाया गया है। मैं इसको पर्सनल लेवल पे गलत नहीं मानता हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे, टीचर्स जो होंगे वो बोलेंगे दुक्की नहीं पढ़ो, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप नहीं पढ़ो, पढ़ो, लेकिन सिर्फ दुक्की नहीं पढ़ो। यदि सिर्फ दुक्की पढ़ोगे पास तो हो जाओगे, हो सकता है अच्छा नंबर भी आए, लेकिन कंसेप्ट यहाँ नहीं बन पाएगा। और कंसेप्ट नहीं बन पाएगा तो पास तो हो जाओगे हाँ, लेकिन कोर्ट में खड़ा होकर के आप दो शब्द बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास लॉजिक नहीं होगा। ये याद करोगे भूल जाओगे। तो दुक्की जो है आप खरीद लो या फोटोस्टेट करवा लो। खरीदना है, आपके पास पैसा है तो खरीद लो, 800-900 रुपये का आता है हर एक सेमेस्टर का। नहीं तो फोटोस्टेट करा लो, ये 200-250 में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिल जाता है यहाँ पे कराया हुआ। हालांकि फोटोस्टेट से कॉपीराइट का उल्लंघन है, बट फिर भी मिल जाता है आपको दुकान में, तो ले सकते हो, डिपेंड करता है, आप देख लेना जैसा भी हो। तो दुक्की का ये है कि दुक्की आप लो, लेकिन उसका कैसे यूज़ करना है, उसको बहुत सतर्कता से यूज़ करना है, ठीक है। आप सिर्फ दुक्की पढ़ोगे तो ये इट्स अ वेरी डेंजरस, पॉइजनस भी है, ठीक है। तो लेक्चर अटेंड करो, केस मटेरियल पढ़ो, उसके बाद लेक्चर में जो समझ में नहीं आए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो या फिर दुक्की यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि रेफरेंस बुक को यूज करो ताकि उसमें होलिस्टिक व्यू बने। दुक्की में तो समराइज है, उसमें आपको लिंक नहीं बनेगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको हो सकता है मज़ा आ जाए, पता लग जाए, अच्छा लगे, लेकिन पूरा लिंक होलिस्टिक जो लॉ की जो लिंक है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में लिंक करते हैं वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो दुक्की भी पढ़ो, लेकिन पहला लेक्चर, दूसरा केस मटेरियल, तीसरा रेफरेंस बुक और चौथा दुक्की। हर एक सब्जेक्ट के लिए यही चीज़ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ कितने पेपर्स हैं। यहाँ 5 पेपर्स होते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस है, फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, टॉट है और कॉन्ट्रैक्ट है। इसका पढ़ने का अलग अलग तरीका भी है। एक समराइज रूप में हम मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ज्यूरिसप्रूडेंस से शुरू करें। ज्यूरिसप्रूडेंस कुछ नहीं है, फिलोसफी ऑफ लॉ है। ये बिल्कुल और सारे सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल अलग है, ये पूरा का पूरा फिलोसफी है। ये पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में, और ऐसा होता है कि दुक्की में मतलब जो ज्यूरिसप्रूडेंस में एक बार फेल हो जाते हैं उनको दोबारा पास होना बहुत मुश्किल होता है। इसका ऐसा कहा जाता है, हम लोग को भी कहा गया था, जो कि शायद सही है। तो इसमें यह है कि आपको अप्रोच अलग होगा पढ़ने का। इसमें आप बुक तो ज़रूर ही पढ़ें, लेक्चर तो पढ़ें ही पढ़ें, लेक्चर तो अटेंड करें। केस मटेरियल में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कुछ कुछ थ्योरी ऐसा है जो थोड़ा दिक्कत होगा आपको पढ़ने में, उसके लिए आप जो है बुक यूज़ करें। और बुक वीडी महाजन, पर्सनली स्पीकिंग मैंने वीडी महाजन पढ़ा है और ये काफ़ी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरी में आप एक बार देख लें, पहले आपको सही लगे, वर्डिंग सही लगे इसका, तो आप इसको खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद केस मटेरियल तो पढ़ना ही है। दुक्की इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी दुक्की है ज्यूरिसप्रूडेंस में उस तरीके का मज़ा नहीं आ रहा, दुक्की में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है एज सच। तो आप बुक ही पढ़ें इससे, इस सब्जेक्ट के लिए, और बुक के अलावा जो है लेक्चर अटेंड करें और केस मटेरियल। चलिए दूसरी बात करते हैं, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम लॉ के बारे में बताया गया है। बेसिकली फैमिली लॉ होता क्या है, इसका क्या ज्यूरिसप्रूडेंस रहा है, कैसे क्या होता है, तो इसके लिए जो है लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंट्रिकेसी को समझ पाएंगे। बेयर एक्ट जो है हिंदू लॉ का, हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें पढ़ना है, तो इसमें बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, बेयर एक्ट ही पढ़ाया जाएगा क्लास में। केस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन केस मटेरियल तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्लियर सा बात है। और उसके बाद जो है दुक्की, इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक की यदि बात करें तो पर्सनली मेरा मानना है कि मुल्ला एक बुक है, मुल्ला वो काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन ये काफ़ी मोटी है, काफ़ी हैवी है, तो फर्स्ट ईयर वाले डर जाते हैं इससे कि यार क्या पढ़ना। लेकिन यार पूरा बुक नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, जो मैं हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन कम है उसमें, आप उसको पढ़ लें, ठीक है। आप और कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, ठीक है, आप जो है मुल्ला यूज कर सकते हैं, उसमें ऑथेंटिक है। और मुल्ला को ऐसे हर जगह कोट भी करते हैं कि
मुल्ला का जो इम्पोर्टेंस है एज ए लॉ है, कि मुल्ला में जो लिखा गया है वो मतलब वो लक्ष्मण रेखा है, इस तरीके का बात किया जाता है, तो आप मुल्ला को प्रेफर कर सकते हैं। यदि नहीं तो फिर आप कोई दूसरा बुक यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फैकल्टी में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं क्रिमिनल लॉ के जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। एक दूसरा वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें कुछ अच्छे टीचर्स पूरे लॉ फैकल्टी में कौन कौन है और कौन कौन किनका आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए, ये भी मैं वो करूँगा। वैसे हर एक टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड हैं तो इसको अलग वीडियो में हम देखेंगे। आईपीसी का जो है इंडियन पिनल कोड, वो आपको लेना पड़ेगा, उसी से पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज एम आर का डिफरेंस होता है और उसी से सारा केस का जो है उलट पलट होता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। केस मटेरियल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिना केस मटेरियल का तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद एनी बुक, कुछ कोई भी बुक इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन पिल्ले का एक बुक है जो कि काफ़ी अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इसको यूज कर सकते हैं। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल पेपर है, इसको टेक्निकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन केस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुक्की इसमें काम आएगा, पर्सनली स्पीकिंग दुक्की इसमें काम आएगा। दुक्की में अच्छे तरीके से, कोई भी दुक्की ले लो, सिंगल ले लो या फिर जैन का ले लो, वैसे सिंगल लोग प्रेफर करते हैं तो वो भी होगा। वैसे बुक अवतार सिंह, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह काफ़ी अच्छी बुक है, वो ले सकते हो आप। नाउ कमिंग टू टॉट, एक लास्ट जो पेपर है वो टॉट है। टॉट का जो है लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेक्चर आप अटेंड करें, आप केस मटेरियल जो है इसमें दिया गया है केस, उन सारे केसेस को देखें, और जो है दुक्की भी इसमें इंपॉर्टेंट है, आप दुक्की का यूज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो है आपको पांच सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ना है वो बता दिया। मोटा मोटी फिर एक और बात हम करना चाहेंगे कि इसको आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा लॉ। ऐसा नहीं होगा कि चलो एक वीक मस्ती कर लेते हैं, दूसरे वीक से शुरू करते हैं, एक वीक छोड़ देते हैं क्लास, दूसरे वीक से शुरू करते हैं, नहीं होगा। लिंक यदि टूट जाएगा तो फिर ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई शुरू करें। बाकी कोई भी इशू हो तो आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोरा पे, आई एम वेरी एक्टिव ऑन कोरा, और कोरा का लिंक जो है नीचे दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और जब भी टाइम मिलेगा आपको मुझे, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले हैं, जो लॉ को पढ़ना चाहते हैं लिटरल सेंस में, वो आज से ही शुरू कर दें। यदि आप लेट करेंगे तो समझ लीजिए कि ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, और फिर आपको पास होना भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे अभी से तो बड़ा मज़ा आएगा, और उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहें कि यहाँ पे 60% जो है एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इससे ऊपर आप बढ़ रहे हैं मतलब कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, और 55 से 60 के बीच में है, मतलब 55 से ऊपर हैं यदि आप, तो आप मान के चलिए 55 से जो भी ऊपर है वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा है। क्योंकि हम मार्क्स का जो लेवल है 45% में फेल है, 45% मिनिमम मार्क्स है, और हाईएस्ट कितना है 60%, मतलब क्या 15% में ही सब पूरे के पूरे स्टूडेंट रहते हैं। कुछ लोग होते हैं 60% को क्रॉस कर पाते हैं, तो खैर उनकी वो छोड़ दो, लेकिन आपको 55% से ऊपर का टारगेट करना है, ये आप मान के चलो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 55% से ऊपर, फर्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो यूपीएससी मेंस लिखना चाहते हो उनके लिए यदि लॉ लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट 80% to 85% जो सिलेबस है मेंस का यूपीएससी का, वो सिविल सर्विस का, वो कवर हो जाता है आपके फर्स्ट ईयर में, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बच जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात से भी आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर को कम से कम पढ़ें। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे अपने पर्सनल लेवल पे जो भी होगा सॉल्यूशन आई विल ट्राई टू गिव। और बाकी अच्छे से पढ़ें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।